नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। लगातार हम आपको बिहार से बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसी सिलसिले में सारण जिले के पानापुर प्रखंड के रसौली पंचायत में रसौली एवं बंगरा पंचायत के बॉर्डर पर स्थित जमींदारी बांध बाढ़ आने से पूर्व ही एक बार फिर टूट गया है। वहीं इस संबंध में स्थानीय समाज सेवी तारकेश्वर सिंह ने कहा कि इस बांध के जनप्रतिनिधियों के लिए दुधारू गाय हो गया है। हर साल टूटता है और मरम्मत के नाम पर राजनीति की जाती है और बात सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रह जाती। बांध को बांधने के लिए कोई पहल भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से 2-3 पंचायतों के लगभग एक दर्जन गांव हर साल प्रभावित हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कि स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि का इस पर और क्या कुछ कहना है। रात में टूटा है, टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा है। 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। मरम्मत हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल का भी नहीं हुआ? नहीं। यहाँ आप लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, कुदारी से मिट्टी काट के डाला गया है। हर साल बांधता है गाँव वाला अपने। पहले का ही बार का तोड़ा हुआ ये है। यहाँ काम नहीं हुआ कोई? नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ। जैसे घंटा खाती लगा रहा है, एक एक घंटा में पूरा बांध बनाकर बना गया तो फिर कैसे? घंटा भी नहीं लगा, वो आया साथ ही वापस कर दिया। बनाया हुआ है? बना हुआ दिख नहीं रहा है, ये तो पूरा दिख रहा है जहाँ ये बांध बंधा हुआ है। टोलिया और मलाह टोली दोनों गांव जी। पिछले साल जो बार आया था तो उसके बाद बंधाया कि नहीं? नहीं बनाया जी। आप बताइए, पिछले साल बाढ़ आई थी उसके बाद बांध बंधाया गया कि नहीं? नहीं बनाया। पानी का दबाव है और कोई आज नया नहीं टूटा है, हर साल का यही दशा है। ये पिछले साल टूटा था तो मरम्मत का काम हुआ था? जी निश्चित हुआ है, निश्चित हुआ है। अभी करीब 15 दिन पहले इसका काम हुआ है। रसौली पंचायत की पूरी आबादी तो प्रभावित हो ही जाएगी, आसपास के भी पंचायत की को प्रभावित करेगी। जैसे बकवा है, पानापुर है, धनौती है, ये सब आसपास के जो भी पंचायत हैं निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आपने सुना कि स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि का इस पर क्या कुछ कहना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।